सरदार सेवा सिंह दा जन्म पिंड ठीकरी वाला विखे सरदार देवा सिंह दे घर माता हर कौर दी कुखों 24 अगस्त 1886 ईस्वी नूं होया सी। सरदार सेवा सिंह ठीकरी वाला दे हर संघर्षी कदम दा प्रेरणा स्रोत गुरमत अते सिख इतिहास सी। इसे कारण पिंड ठीकरी वाला विखे विशाल गुरद्वारा साहब की स्थापना की अते धार्मिक सरगर्मियों नूं आम लोकां तक पहुँचाया। उन्हां दी लोकप्रियता अते काबिल आगू होण दा प्रमाण है कि 1920 दे विच आप जी नूं श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी की अंतरिम कमेटी के मैंबर अते श्रोमणी अकाली दल दे मीत प्रधान चुनिया गया। फिर रियासती परजा मंडल दे बानी प्रधान चुनिया गया। संत अतर सिंह जी मस्तुआणा वालिया ने दिव दृष्टि दे नाल सरदार सेवा सिंह जी ठीकरी वाला नूं अकाल कालज मस्तुआणा साहब की प्रबंधक कमेटी का प्रधान चुनिया। जदों परजा मंडल की स्थापना हुई उस वेले सरदार सेवा सिंह जेल दे विच सन। परजा मंडल की नींह 1 फरवरी 1928 दे विच रियासत पटियाला हुण जिला बरनाला दे पिंड सेखा दे विच रखी गई सी। इस दे प्रधान सरदार सेवा सिंह जी ठीकरी वाला कायम मुकायम प्रधान सरदार भगवान सिंह जी लौंगोवालिया अते सरदार अजमेर सिंह सकत्तर चुने गए सी। परजा मंडल लहर दा उद्देश किसान मुजारे अते गरीब लोकां दे हक्कां अते इंसाफ लई झंडा चुकना सी। अते रियासती परजा दी बहुपक्षी भलाई जिस दे विच समाजिक आर्थिक ते राजनीतिक लई जागृति पैदा करना सी। पंजाब रियासती परजा मंडल दी पहली कॉन्फ्रेंस 27-28 जनवरी 1930 नूं लाहौर दे विच हुंदी है। लाहौर दे ब्रैडला हाल दे विच श्री चुड़गर उस वक्त मैंबर पार्लीमेंट ने इसकी प्रधानगी की सी। इस कॉन्फ्रेंस दे विच सरदार जसवंत सिंह दानेवालिया दा स्वागती भाषण रियासतां दे अंदरूनी हालातों तों जाणू करवाउणा सी। इस भाषण दे विच अंग्रेजां अते फूलकिया रियासतां दी एक दूसरे दे मामलियां दे विच दखल ना देण दीआं हासोहीणियां संधियां बारे भी खुलासा किया गया सी। इसे समय ही सरदार सरदूल सिंह कवीशर की प्रधानगी हेठ 30 जनवरी नूं एक मुजारा कॉन्फ्रेंस भी हुई सी, जिस दे विच बिस्वेदारी नूं बिना मुआवजा खत्म करन दे मते पास किए गए सी। इस तों अलावा मुजारा कमेटी भी बनाई गई सी जिस ने मुजारियां दे आर्थिक अधिकारां लई लड़न दा कम अपने जिम्मे लिया। इस तरह सरदार सेवा सिंह ठीकरी वाला की अगवाई दे विच रियासत पटियाला दे पीड़तां लई ठोस काम होना शुरू हो गया। इन्हां दिनां विच ही रियासती दुनिया की आवाज़ नूं जनतक करन दे लई सरदार सेवा सिंह की सरप्रस्ती हेठ उर्दू बोली विच रियासती दुनिया अखबार प्रकाशित करना शुरू किया अते बाद दे विच देशदर्दी अखबार पंजाबी दे विच शुरू किया गया। अप्रैल मई 1930 दे विच धूरी दे नेड़े पिंड राजू माजरा विच मुजारियां दा इकट्ठ हुंदा है, जिस विच मुजारियां दी फरियाद सरकार तक पहुँचाउण दा फैसला किया गया। सरदार सेवा सिंह मुजारियां दा एक प्रतिनिध मंडल लैके सरदार सरदूल सिंह कवीशर नूं मिले। इस तरह परजा मंडल वालों मुजारियां नूं पूरी सहायता दा भरोसा दवाया गया। 17 जुलाई 1930 नूं सरदार सेवा सिंह पिंड कुठाला विखे मुजारे शहीदां दी कॉन्फ्रेंस दे विच शामिल होए। पंजाब रियासती परजा मंडल दी दूसरी कॉन्फ्रेंस 12-13 अक्तूबर 1930 नूं लुधियाणा विखे होई। इत्थे सरदार सेवा सिंह ने रियासत पटियाला दी बुरी हालत सिरलेख दा स्वागती भाषण उर्दू विच पढ़िया अते इस भाषण दीआं कापियां वंडण दे दोष दे विच सरदार जी नूं गिरफ्तार कर लिया गया। सरदार सेवा सिंह जद कुठाला शहीदी दिन मनाउण दे लई 17 जुलाई 1932 नूं रियासत मलेरकोटला आए तां रियासत दी पुलिस ने उन्हां नूं गिरफ्तार करके रियासत दी जेल विच लगभग 3 महीने रखिया। लोकां ने भारी मोर्चा शुरू कर दिता जिस दे विच सैकड़े गिरफ्तारियां होईयां। मोर्चा दसंबर 1932 तक जारी रहा ते अखीर मलेरकोटले दे नवाब नूं चुकना पिया। परजा मंडल दी चौथी कॉन्फ्रेंस 5-7 अप्रैल 1933 नूं दिल्ली दे विच कीती गई। सरदार सेवा सिंह जी ने अपने साथी डेलीगेटां सरदार भगवान सिंह लौंगोवालिया, सरदार कटार सिंह नंगल,
ਸਰਦਾਰ ਰਿੱਧਾ ਸਿੰਘ ਘੱਗਾ, ਸਰਦਾਰ ਮੇਰ ਸਿੰਘ ਘੋੜੇ ਨੱਥ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜੈ ਸਿੰਘ ਲਹਿਲਾ ਨਾਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਏ ਵੀ ਪਟਵਰਧਨ ਪੂਨਾ ਦਾ ਜਲੂਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੁਲਾਰੇ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਗਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਆਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾ ਕੇ ਠੀਕ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਲਿਆਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਜਾ ਮੰਡਲ ਲਹਿਰ ਲਈ ਸਰਦਾਰ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਆਸਤ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਜਬਰ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਦਾਰ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 1934 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੋ 9 ਮਹੀਨੇ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਉਪਰੰਤ 19 ਅਤੇ 20 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 1:30 ਵਜੇ ਸਰਦਾਰ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਏ। ਸਰਦਾਰ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਠੀਕਰੀਵਾਲਾ ਦੀ ਬਰਸੀ ਹਰ ਸਾਲ 18, 19 ਅਤੇ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਠੀਕਰੀਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਰਾ ਕੌਮੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਮਹਾਨ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਸਰਦਾਰ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਠੀਕਰੀਵਾਲਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਲਿਖਤ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਠੀਕਰੀਵਾਲਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।